गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू फिलअप्स फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 3 फ्रैक्शंस। बट बिफोर डूइंग योर वर्क, एवरीबडी शुड नो टू प्रिवेंट कोरोना वी शुड वॉश और सैनिटाइज अवर हैंड्स, वी शुड वियर मास्क एंड वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एवरीबडी प्लीज टेक आउट योर मैथमेटिक्स नोटबुक, राइट डाउन टूडेज डेट हियर, चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द टॉप लाइन। Today's topic, that is fill in the blanks on the second line. Let's start doing today's work. The first sentence is the parts or pieces of a whole are called fractions. I repeat, the parts or pieces of a whole are called fractions. किसी भी एक पूरी चीज के अगर टुकड़े किए जाते हैं, उसके पार्ट किए जाते हैं, उसके पीसेस किए जाते हैं, तो वो उसके फ्रैक्शंस कहलाते हैं उस होल पार्ट के। ओके, नाउ द सेकेंड वन, टू हाव्स मेक अ होल। टू हाव्स मेक अ होल, दो आधे पीसेस मिलके, टू हाफ वाले पार्ट मिलकर एक कंप्लीट होल बनाते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन, थ्री वन थर्ड्स मेक अ होल। थ्री वन थर्ड्स मेक अ होल, अगर किसी भी होल के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो वो कंप्लीट होल होते हैं। 3 पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट होल बनाते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, नाउ नंबर फोर्थ इज, फोर वन फोर्थ मेक अ होल। फोर वन फोर्थ मेक अ होल, फोर इक्वल पार्ट्स, फोर इक्वल पार्ट्स एक पूरा कंप्लीट होल बना देते हैं, वो क्या होंगे, वन फोर्थ पार्ट होंगे। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। वन अपॉन टू इज हाफ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन, दो हाफ मिलकर एक कंप्लीट वन बनाते हैं। ओके, सिक्स्थ वन इज, वन थर्ड प्लस वन थर्ड प्लस वन थर्ड इज इक्वल टू वन, अगर 3 वन थर्ड मिल जाएं तो एक कंप्लीट वन बनाते हैं। सेवन्थ वन इज, वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ प्लस वन फोर्थ, फोर वन फोर्थ मिल जाए, ओके, देन इट इज इक्वल टू वन। एम आई क्लियर? एट्थ वन इज, वन हाफ इज रिटन एज वन अपॉन टू। वन हाफ इज रिटन एज वन बाय टू या वन अपॉन टू। यू कैन राइट हाफ एज this, you can write 1 upon 2 as a half. Ninth one is, 1 third is written as 1 upon 3. 1 third is written as 1 upon 3, or you can say 1 by 3. Number 10th is, 1 fourth is written as 1 upon 4. 1 fourth ko kaise likh sakte hain? Aise, 1 by 4. 11th one is, 3 fourth is written as 3 upon 4. 3 fourth is written as 3 by 4. You can say 3 upon 4 or you can say 3 upon 4. Okay. Now the 12th one is, 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4. Kitne ho gaye ye 1 upon 4? 3 1 upon 4 ho gaye. That means it is 3 upon 4, 3 quarters, okay? 3 upon 4 is called 3 quarters. 13th part, 1 upon 2, that is half, plus 1 upon 4, that is quarter. Half plus quarter is equal to 3 quarters. Half plus 1 quarter, 1 upon 2 plus 1 upon 4 is equal to 3 upon 4. Half plus quarter is 3 quarters. Now the next one, 14th part is,
1/4 + 1/4 इज इक्वल टू हाफ. इफ देयर आर टू क्वार्टर्स, अगर दो क्वार्टर्स मिल जाएं तो वो एक हाफ के बराबर होते हैं. द 15th वन इज 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टर. 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वार्टर. 1/4 को क्वार्टर भी कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज फिलिप्स इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक नीटली नाइसली, एंड यू हैव टू लर्न एंड रिवाइज ऑल दीज फिलिप्स थॉरली. ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, बाय.